गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मैं हूँ अपेक्षा और आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो आपके अपने वीडियो में। आप लोगों ने मोदी केयर का नाम सुना है कि नहीं, मेरे को नहीं पता है, पर मैं आज मोदी केयर की बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मोदी केयर में इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट मिल रही है। और एक एक चीज़ मैं तो यूज़ कर ही रही हूँ, पर आप लोगों को एक एक चीज़ यूज़ करके आज मैं दिखाऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा है। और वहाँ पे आपको घर के रिलेटेड, अपने हाउस के रिलेटेड, किचन के रिलेटेड, ब्यूटी के रिलेटेड, कोई भी लिपस्टिक चाहिए, फेस पैक चाहिए, नाइट क्रीम चाहिए, कुछ भी ऐसा क्या बोलते वो हमारे नल वगैरह में जो क्षार लग जाता है वो रिमूव करने के लिए चाहिए, बाथरूम क्लीनर चाहिए, वॉश बेसिन का कुछ भी पाउडर चाहिए, वहाँ पे भी कुछ गंदगी हो गई हो वो निकालने के लिए हमारे वॉशिंग मशीन का पाउडर चाहिए, लिक्विड चाहिए, बहुत सारी चीज़ एक ही जगह पे मिलती है। और वो अभी बहुत जगह पे इसका स्टोर नहीं है, इसलिए आप लोगों को पता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता है, पर मैं जितनी प्रोडक्ट वहाँ से लेके आई हूँ वो सब आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को कैसी लग रही है वो कमेंट करके बताना। देखो सबसे पहले मैं एक गो ग्लो का एक फेस पैक लेके आई हूँ। इसको पीछे सब कुछ लिखा हुआ ही होता है, इसको आप एज ए 3-in-1, एक के अंदर ही 3-in-1 है। यहाँ पे लिखा ही है कि इसको क्लींजर, मेकअप रिमूवर और हाइड्रेटर, ये तीनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और इसको सच में देखते देखो इसकी बॉटल भी कितनी प्यारी है। वैसे मैं इसको बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, देखो अंदर से भी इस पूरा झिंक झिंक टाइप का है, बहुत ही प्यारा लगता है। इसको आप 7 मिनट तक, मतलब 7 मिनट तक लगाने के बाद 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है, इसके बाद 10 से 15 मिनट तक रहने देना है, फिर 5 मिनट मसाज करने के बाद वॉश करना है, तो आपको एकदम बढ़िया सा रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर। और सच में आपको फेशियल कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। अरे ये सब भी चीज़ें आपको चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करना। मेरे एक आंटी है, उन लोगों का ही स्टोर है, वैसे उन लोगों ने मेरे को नहीं बोला है कि ऐसा कुछ आप बताना, पर मैं हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जितनी मैं लेके आती हूँ। वैसे मैं कुछ शॉपिंग करके आती हूँ तो भी आपको बताती हूँ, तो ये 1 टाइप ऑफ मेरी शॉपिंग ही है, इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ बता रही हूँ। तो आप लोगों को ये सब प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे को बताना, मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करके आपको कुरियर करवाना हो या फिर उनके पास जाके लेके आना हो तो आप कर सकते हो। और आप जब भी लेने जाओगे तो कोई भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप लोगे उसका सभी का आपको अच्छे से डिटेल में वो लोग बताएंगे कि आपको कैसे यूज करना है, कब यूज़ करना है, कब नहीं यूज़ करना है, वो सब वो लोग बताएंगे। तो आप स्टोर पर जाके विजिट कर सकते हो, वो महसाना में है उनका स्टोर, आप महसाना के आसपास से हो तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन चाहिए तो आपको फ़ोन में भी सब कुछ समझा देंगे वो लोग। इसके बाद मैं लेके आई हूँ एक नाइट क्रीम। अभी की गर्मी की वजह से क्या है, पूरे दिन घूम घूम के हमारी स्किन इतनी डल हो जाती है, तो हमको नाइट क्रीम की ज़रूरत होती ही होती है। तो इससे क्या होता है, और इसके अंदर साथ में विटामिन ई भी है, तो आप विटामिन ई की कैप्सूल का यूज़ कर रहे हो तो वो भी इसके अंदर ही आ जाएंगी साथ में। तो इसको आपको बस अपने फेस को वॉश करके, मैं नाइट की सीरम भी लेके आई हूँ, इससे आपको क्या है डार्क स्पॉट वगैरह होते हैं ना, दाग धब्बे वगैरह वो सभी इससे चला जाता है, और आपको जो नाइट में चिपचिपापन लगता है ना वो भी इससे नहीं होता है। तो इसकी वजह से सबसे पहले मैं सीरम लगाती हूँ, इसके बाद मैं लगाती हूँ नाइट क्रीम। ये सभी डिटेल में एक एक करके मैं बताती हूँ कि इसको कैसे लगाना है, बस अभी ऊपर ऊपर से आपको बता रही हूँ। इस सीरम का भी बहुत ही प्यारा रिजल्ट है, आप मतलब 1 साल तक इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन एकदम से अलग ही हो जाएंगी। और आज पता नहीं मेरे वीडियो के लाइट में ऐसे थोड़े से डार्क लाइट ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद में मैं एक लेके आई थी स्पाइस एंड स्पेन, ऐसा कुछ नाम है इसका, पर ये है ना हमारे जो नल वगैरह स्टील के होते हैं इसके अंदर जो क्षार जम जाता है ना इसको रिमूव करने के लिए काम करता है, वो सच में बहुत बहुत अच्छा है।
एक ही बार में 80% क्षार तो निकल ही जाएगा इससे। मैं सबसे पहले ये लेके आई थी, ये मेरे को अच्छा लगा, इसके बाद में मैंने ये सब चीज़ें मंगवाई है। ये मेरा यूज़ किया हुआ है, आधी बॉटल मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने जहाँ जहाँ पे मेरे बाथरूम में सभी जगह पे जो स्टील के नल थे वहीं सभी जगह पे मैंने इसको यूज़ किया है। ये मेरे को अच्छा लगा, मोदी केयर की प्रोडक्ट। इसके बाद में इतनी सारी प्रोडक्ट लेके आई, तो आप लोग एक बार एक चीज़ लेके ट्राई कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद ऐसा हो तो आप दूसरी कोई चीज़ परचेस कर सकते हो, और हाँ MRP से भी आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में वो मिल जाएंगे। इसके बाद में मैं लेके आई हूँ एक फेस पैक है, देखो इसका, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पर वो लोग बोलते हैं कि इसके साथ में आप एक क्लिनजिंग जेल करके भी आती है, तो एक क्लिनजिंग जेल को भी आप वैसे ही लगा के अपने फेस को क्लीन कर सकते हो। पर आप इस दोनों को साथ में मिक्स करके, और साथ में एक मैं ऑयल भी लेके आई हूँ, ये टी ट्री ऑयल है, इसको टी ट्री ऑयल बोलते हैं, और इसके अंदर विटामिन ई भी है साथ में, यहाँ पे लिखा हुआ है विथ विटामिन ई। तो इन सब के साथ में इन तीनों को मिक्स करके अपने फेस पे लगाऊंगी, आपको रिजल्ट ओह माय गॉड। इसको लगा के 10 से 15 मिनट तक सूखने देना है, इसके बाद इसको वॉश कर देना है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसको तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि टी ट्री ऑयल आपको कहीं पे भी लगा हो, आपको पेन हो रहा हो, तो आप इस ऑयल को लेके थोड़े से मसाज कर दोगे। तो देखो ये ऑयल को लेके आप थोड़ी सी ऐसी इसके अंदर यहाँ से इसके बूंदे थोड़ी सी आपको जहाँ पे भी पेन हो रहा हो वहाँ पे लगा के थोड़ी सी मसाज करूँगी, तो आपका पेन गायब हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर विटामिन ई है, इसलिए आप पैक के साथ में भी यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी पैक लगा रहे हो इसके अंदर इस ऑयल की एक दो बूंदे डाल दोगे तो आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। और सभी की प्राइस बहुत ही नॉमिनल, ये तो इसके ऊपर 350 लिखा है, पर आपको डिस्काउंट में मिलता है। इसके ऊपर भी वो लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हैं आपको, तो आप लोग जरूर से जाना। और साथ में आपको किसी भी अंदर ऐसा लगे कि विटामिन ई की कैप्सूल चाहिए, तो विटामिन ई की कैप्सूल आप अपने घर पे ही रखना, इसको बाय करना हो कम से कम प्राइस में, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप बाय कर लेना। और साथ में रखना है हमारी जेल एलोवेरा जेल, ये भी मैं बीच विटामिन ई ही रखती हूँ, ताकि मेरे को सभी में विटामिन ई मिल ही जाए, कहीं पे मेरे बॉडी में विटामिन ई की कमी ना रह जाए। तो चलो हम एक एक करके सभी को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ दे इसको लगाएंगे, मैंने जो सबसे पहले बताई थी ना वो अर्बन कलर करके गो ग्लो, इसका नाम ही है गो ग्लो 3-in-1 मेकअप रिमूवर क्लिंजर एंड हाइड्रेटर। इसको लगा के अच्छे से मसाज करना है, इसके बाद में हमें 10 से 15 मिनट रहने देना है, इसके बाद वॉश करेंगे। मैंने अच्छे से लगा लिया है, अब इसका मसाज करेंगे और इसको पैक करके रख देंगे, ताकि दूसरी बार हम यूज कर सके। आप अपने हैंड में वैसे पानी लगा के भी मसाज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर पानी नहीं डाल सकते हो। इसको 7 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है। मैं 7 मिनट मसाज करने के बाद आप लोगों को मिलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे 7 मिनट तक मसाज करती रहूंगी तो वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं 7 मिनट मसाज करने के बाद।
मैंने 60 मिनट तक मसाज कर लिया है, अभी मैं 15 मिनट तक इसे सूखने दूंगी, इसके बाद इसको वॉश करेंगे। देखो मेरा सूख गया था और मैंने वॉश भी कर लिया है, आप लोग देख सकते हो इसका रिजल्ट। देखो एकदम से सॉफ्ट स्किन भी लग रही है और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी फेशियल करवा के आई हूँ। बहुत ही प्यारा रिजल्ट है। और मैं ऐसे फेस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चुन्नी से क्यों पोछ रहे, पर सच बताऊँ तो मैं फेस को पोछने के लिए ऐसी चुन्नी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसी कॉटन की चुन्नी से पोछना बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे स्पेशली समर में। अभी वैसे नाइट नहीं है, अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, शाम हुई है, पर मैं आपको नाइट क्रीम को कैसे यूज़ करना है वो बस मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये सीरम है, इससे बहुत ही अच्छा ग्लो मिलता है और आपको दाग धब्बे वो सब प्रॉब्लम है वो सब चली जाती है। तो इसको बस इसको ऐसे लगा लेना है। आपको नाइट में अभी गर्मी की वजह से जो चिपचिपापन लगता है ना, वो भी इसकी वजह से आपको नहीं लगेगा। फिर इसके बाद में जो हमारी नाइट क्रीम है, बस इसे भी ऐसे ही लगा लेने का है। सुबह में आप देखोगे ना तो आपके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो होगा और एकदम फ्रेश फेस दिखेगा आपको। सुबह में जब आप उठोगे ना तब आपको ऐसा जो डल डल सा लगता है ना, वैसा नहीं लगेगा। देखो तो बस आपको ऐसे ही लगा देने का है, इसमें कुछ नहीं है दूसरा। इसके बाद अब बनाते हैं ए वाला पैक। आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हो और इस तीनों को साथ में भी यूज कर सकते हो। तो हम इस तीनों को साथ में यूज करेंगे और आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। मैंने ये जो लगाया है ना, इसको वॉश करूंगी, इसके बाद में ये वाला लगाऊंगी। आप जब भी कोई भी फेस पैक लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है। देखो ये मैं फेस पैक है ये ले रही हूँ, एक चम्मच इतना। इसके बाद में जेल भी लूंगी एक चम्मच इतनी। इसके बाद में ये वाला जो ऑयल है हमारा, इसको इसको एक से दो ड्रॉप डाल देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। आप इसको पीछे वगैरह के भी यूज करके भी मिक्स भी कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। वैसे मेरे को हैंड से बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं तो हैंड से ही करूंगी। देखो अभी ये मेरा परफेक्टली सूख गया है, तो अभी मैं इसको वॉश करूँगी और मैंने इसको 15 मिनट तक ऐसे ही रखा है। इसके बाद अभी मैं वॉश करूँगी तो फिर इसके बाद आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो मैंने वॉश कर लिया है, अभी मैं पोछती हूँ और आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। देखो कितना प्यारा
रिजल्ट आ रहा है। आपको वैसे कहीं पे जाना हो तो आप ऐसा पैक लगा के चले जा सकते हो, क्योंकि इससे देखो फेशियल जैसा ग्लो दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने वैसे पहली बार ही ये पैक को पहली बार ही यूज़ किया था, तो आप लोगों के सामने यूज़ किया और आप लोगों के सामने रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा। वैसे मैंने आइस किया ऊपर नीचे नहीं लगाया था, मेरे डार्क सर्कल वैसे भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो वीडियो, और आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर से बताना। फिर मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू आपकी प्यारी अपेक्षा का, बाय।